Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratish and here I am with another video. So I hope कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे SSC स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम की, जो कि अक्टूबर में होने वाला है. ये मैं बार बार इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से और उनको ये बात पता लग जाए, इस वजह से मैं आपको हमेशा बता देती हूँ. ओके, सो आज के वीडियो में हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है. मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरे पूछा था कि आप कोई क्वेश्चन पूछो, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आए थे और कम्युनिटी पोस्ट पे भी आए थे. इस टाइप मतलब चीज़ से जुड़े क्वेश्चंस आए थे. प्लस मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनके नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आजकल यही रहते हैं. वो कमेंट क्या है कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं. अगर 110 आ रहे थे तो वही हैं, इंक्रीज़ नहीं हो रहे. 120 थे तो वही हैं. कुछ लोग 85-90 पे ही रुके हुए हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कैसे मॉक टेस्ट में अपना नंबर इंक्रीज़ करें. लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो एवरी वीकेंड दे रहा हूँ मॉक टेस्ट, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे भी दे रहा हूँ. इतने सारे मैंने मॉक टेस्ट दे दिए और मैं पढ़ता भी हूँ. एक तरफ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और फिर मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, फिर भी मेरे नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसे होगा. तो देखिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है. सबसे पहले तो मॉक टेस्ट इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप बस पढ़ के मॉक टेस्ट दे दो और आपका काम ख़त्म हो गया. आप कितने भी टेस्ट दे दो, अगर आपका नंबर कुछ आ रहा है तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, अनलेस आप उसको एनालाइज करके उसको जो आपके टॉपिक्स में आपको पता चला है कि आप इसमें वीक हो, उसको फिर से आप जब तक पढ़ते नहीं हो तब तक आपके नंबर जो है इंक्रीज़ नहीं होंगे. अब ये चीज़ मैंने कई बार बोली है और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि बस यही करना है, ये तो मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहे हैं, मैं तो टॉपिक पढ़ता हूँ नहीं हो रहे हैं. तो देखिए, एक सिंपल रूल बनाइए जिससे आप आराम से ट्रैक कर पाएंगे कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई है और क्या अभी आप में वीकनेस है. करना क्या है आपको कि मॉक टेस्ट जब भी आप दे रहे हैं, जब भी आप उसको एनालाइज करने बैठ रहे हैं, तो आपको एक डायरी या कॉपी बनानी है. मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है कि आपको मॉक टेस्ट के नाम से एक कॉपी या डायरी बना कर रखनी है. अब उसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए आज आपने एक कोई टेस्ट दिया, तो उसमें जब आप एनालाइज करने जा रहे हैं तो 3 कॉलम बनाइए, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, रीजनिंग का, जीएस का और इंग्लिश का. अब इसमें आपको लिखना क्या है, आप 1-to-1 देखते चाहिए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, करके जो भी आपने क्वेश्चन गलत किए हैं. जैसे मान लीजिए रीजनिंग आप टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं, रीजनिंग से जो भी पार्ट से आपकी गलतियां हुई हैं, जितने भी नंबर की गलतियां हुई हैं, वो आपको रीजनिंग वाले कॉलम में लिखना है चैप्टर्स के साथ. कि मतलब मान लीजिए ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, या 2 क्वेश्चन गलत हो गए, या 1 क्वेश्चन गलत हुआ. इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि हो सकता है एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन तो आते हैं. अगर उसमें से 3 और 4 आपके गलत हो गए तो वो भी लिखिए, 2 गलत हुए, 1 गलत हुए, जो भी है वो आप लिखिए. जितने गलत हुए मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सही हुए हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन जितने भी गलत हुए हैं वो आपको चैप्टर के नाम के साथ लिखना है कि इससे इतने क्वेश्चन गलत हो गए. इंग्लिश में भी आपको ऐसा करना है. आपको पता है कि मान लीजिए एरर आया है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि एरर में इतने गलत हुए. आपको एरर में भी पर्टिकुलरली लिखना है कि एरर के नाउन से ये गलती थी और मैं नहीं पकड़ पाया, या फिर उसमें वर्ब में गलती थी और ये मेरा गलत हो गया. तो चैप्टर्स का नाम लिखना है, क्वेश्चन का नहीं. कि मतलब एरर ऐसे नहीं लिख देना है, वरना आप एरर के नाम पे क्या ही पढ़ोगे. ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर कि आपको जैसे रीजनिंग में आप चैप्टर्स लिखते हो कि ब्लड रिलेशन से, सीरीज से, मैट्रिक्स से ये गलत हुआ है, या इतना इतना गलत हुआ है, वैसे ही आपको इंग्लिश में अगर एरर से, नाउन से आपकी गलती ज़्यादा हो रही है, या फिर वर्ब से, एडवर्ब से, या प्रीपोजिशन से आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो वो आपको चैप्टर वाइज लिखना है. ऐसे ही जीएस में आपको जो भी एक सब्जेक्ट के जिस पार्ट से गलतियाँ हो रही हैं वो भी आपको लिखना है. जैसे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन कोई हो और आपका उसमें गलती हो गया, तो आपको ज्योग्राफी तो लिखनी है, लेकिन ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक से आपकी गलती हुई है वो भी आपको लिखना है. इससे क्या होगा, जब आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल तैयार नहीं है या फिर अच्छे से तैयार नहीं है और जिसमें आपको मेहनत करनी है। तो फिर उसके बाद आप एक एक टॉपिक लेके, जैसे रीजनिंग में आपने जो भी टॉपिक लिखा है कि इससे गलती हुई, वो टॉपिक आप फिर से रिवाइज करो, उसमें फिर से प्रैक्टिस करो, फिर अगला टॉपिक उठाओ रीजनिंग का, फिर से उसको पढ़ो, फिर से उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे इंग्लिश का उठाओ, इंग्लिश के अगर नाउन से गलती हुई है फिर से नाउन को पढ़ो, नाउन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने मॉक टेस्ट जैसे टेस्ट बुक वगैरह का लिया होगा तो इसमें क्विजर्स भी आते हैं और में भी आते होंगे ऐसे क्विक क्वेश्चंस। तो क्विजर्स आते हैं तो चैप्टर वाइज उनका जो भी आपके गलत होते हैं उनका क्विजर्स कर लो। इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जीएस में आपका भी जो भी गलती होता है, जो भी टॉपिक से गलती हो रहा है, उसका आपको क्या करना है, जाकर टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, आपका हिस्ट्री से कोई पर्टिकुलर टॉपिक गलत हो रहा है, बार बार मुगल्स में से गलती हो रही है आपकी, तो आप जाके पूरा मुगल्स आप एक बार पढ़ लो। तो इस तरीके से आपको करना है। फिजिक्स में से आपकी कोई गलती होगी तो फिजिक्स के जिस टॉपिक से गलती हुई है वो टॉपिक जाके पढ़ो। इस तरह से आपको स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी है, तभी आप इम्प्रूव करोगे। और ऐसे ही जब आप बार बार मॉक टेस्ट देते रहोगे, कई बार दोगे, तो आपको एक पैटर्न अपना पता चल जाएगा कि मोस्टली आप हर सेक्शन में से कौन से चैप्टर से गलती ज़्यादा करते हो। आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने देख लिया कि अच्छा मेरा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, वो गलती हो, याद कर लिया कि अच्छा ये गलती हुआ था। याद नहीं रखना है उसको, आपको लिखना है, लिख के आपको उस पर काम करना है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस गलत होंगे। आपको लगता होगा कि आपको याद हो जाएगा कि इस टॉपिक से मेरे गलत हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने साथ एक मॉक टेस्ट की या डायरी या फिर कॉपी आपको रखनी है। उसमें आपको हर डे का जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से कॉलम्स बनाकर करना है और इससे आपको टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और उसकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपका डे वन में आपने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए कि मतलब मेरा जो ये रीजनिंग था उससे इस चैप्टर से गलतियां हो रही थी। नेक्स्ट डे भी आपको दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे, जब आप मॉक टेस्ट करें फिर से वही गलतियां हो रही हैं, फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको फिर से उसको पढ़ना है। तीसरे दिन भी हो रहा है, चौथे दिन भी हो रहा है, जितने भी दिन हो रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपकी गलतियां हो रही हैं। ये मैटर नहीं करता कि कितना दिन हो गया, आपने उसको कितनी बार पढ़ लिया, आपको दोबारा पढ़ना ही है जब तक उसकी मिस्टेक्स ज़ीरो नहीं हो जाती, उस पर्टिकुलर चैप्टर की मिस्टेक ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक आपको उस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, एवरी डे प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई मतलब दूसरे एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस है वो उठा लो, वो प्रैक्टिस करो, इंटरनेट से क्वेश्चंस ले लो, वो प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम पे इतने ग्रुप्स होते हैं, हर सब्जेक्ट से ग्रुप होते हैं, रीजनिंग का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हर चीज़ का ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके क्वेश्चंस लो और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि मेरा जो प्रैक्टिस सेट था वो तो ख़त्म हो गया है, एक बार मैंने चैप्टर कर लिया तो अब क्या करूँ। क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते, क्वेश्चंस दुनिया में हैं, आपको बस उसको ढूंढना है और करना है। बार बार आपको बुक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, लेकिन आप इंटरनेट पे भी क्वेश्चंस ले सकते हो। कोई आपका ग्रुप बना है, वहाँ से भी आप उनके पास कोई दूसरी किताबें हैं तो वहाँ से आप मंगा लो कि फ़ोटो दे दो थोड़ी थोड़ी कि कुछ क्वेश्चंस मुझे इस टॉपिक से मिल जाए। तो आप इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो जुटा सकते हो। भरमार है क्वेश्चंस की, बस आपको सॉल्व करना है। तो अब से आई होप कि आप जैसे एनालाइज करते थे वैसे नहीं करेंगे, अब से आपको लिखना है और उस टॉपिक को पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग ये ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं मुझे कि जो भी मैं बताती हूँ वो बोलते हैं कि मैं करता हूँ फिर भी नहीं होता है। तो आई डोंट बिलीव कि आप करते हैं और तब भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया वो आप करते हैं फिर भी आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। आपने जो टॉपिक्स लिखे, जो आपने फिर बाद में मतलब जब आप एनालाइज कर रहे थे, आपने टॉपिक्स लिखे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की, अगले दिन फिर आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर आपको उसी टॉपिक में से गलती हुई, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपने वो टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा या ठीक से अभी तक आपको नहीं आता है। जितनी भी बार गलती होती है आपको पैनिक नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है, आपको ये अच्छा समझना चाहिए कि मुझे ये पता चल रहा है कि मैं अभी कितने पानी में हूँ या फिर मेरी तैयारी कितने पानी में है। तो आपको उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर फिर से उस चैप्टर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वहाँ एग्जाम में दिक्कत ना हो सकता है उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाएं और जितने यूजुअली आते हैं उससे ज़्यादा आ जाएं, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देगी मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो हो ही नहीं रहा, रोज़ यही चैप्टर पढ़ा हूँ फिर भी गलतियाँ हो रही है, अगर आप ये सोचकर उस चैप्टर को ही छोड़ दोगे तो फिर एग्ज़ाम में भी आपका वही चैप्टर गलत हो जाएगा और उसके आपके नंबर कट जाएंगे, सीट आपकी रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी बार एक चीज़ ही आपको बार बार पढ़नी पड़े, पढ़ो। जब तक उसमें आप बिल्कुल मतलब वो नहीं हो जाते, एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको पढ़ना है। और मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करने का बस यही तरीका होता है। अगर आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो वो काम नहीं आएगा। एवरीडे मॉक टेस्ट देने से आपका कुछ नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, कोई टॉपिक आपको नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं होगा। एनालाइज भी अगर आप ऐसे करते हैं कि बस एनालाइज कर रहे हैं, अच्छा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया और उसका आंसर पढ़ लिया, उससे भी कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। यही एक तरीका है जिससे आप अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर है तो लाइक ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिख दिया कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है फर्दर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।